डिज़ाइनर शबनम नाज ने टीमा फैशन गैलरिया दुबई में लॉन्च की, जिसमें मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। कौंसल जनरल तारिक इकबाल सोमरो और उनकी अहलिया हमेशा पाकिस्तान फैशन को अपनी सपोर्ट देते रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शबनम ने बताया कि वो नए डिज़ाइनर्स को प्रोमोट करना चाहती हैं। इंशाल्लाह बड़े नाम माशाल्लाह से बहुत है हमारे पाकिस्तान के पास, बहुत खुद कफील है माशाल्लाह हम बड़े नामों में। इंशाल्लाह उनको लाऊंगी और उनके हाथों जो है वो नए डिज़ाइनर्स को प्रोमोट करवाऊंगी। कपड़े, जेवरात और क्लच बैग्स की डिस्प्ले थी और मर्दों के लिए भी डिज़ाइनर सूट्स मौजूद थे। गुलकार आमिर जमाल ने कहा कि वो अरेबिक डिज़ाइंस पर फोकस कर रहे हैं। मोस्टली आई एम कवरिंग द अरेबिक ड्रेसेस व्हिच इज़ गाउन एंड बिकॉज आई डू एंड माय वाइफ डू डिज़ाइन दिस थिंग, सो वी हैव अ ब्रांड कोलैबोरेशन विद दैट। आवर ब्रांड इज़ वुमन, सो वी आर कैटरिंग वुमन। तारिक सोमरो का कहना था कि दुबई की सारी साउथ एशियन कम्यूनिटी पाकिस्तानी डिज़ाइंस ख़रीदती है। अगर देखें तो हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बड़ी है, 12 लाख के करीब हैं पूरे यूएई में, प्लस उसके अलावा जो है साउथ एशिया से और कंट्रीज से भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग रहते हैं, तो उनके भी लिबास जो है वो हमारे लिबास से मिलते जुलते हैं। और मैंने देखा है कि उनके लोग भी आके हमारे पाकिस्तानी जो फैशन हाउसेज हैं उनसे ड्रेसेस ख़रीदते हैं। दुबई में बहुत से फैशन शोज होते हैं, लेकिन शबनम की फ्रेंड्स का कहना था कि टीमा गैलेरिया कुछ अलग है। शी इज़ पुट इन अ गुड वर्क माशाल्लाह एंड इट्स प्रीटी गुड, आई लाइक इट, इट्स नाइस। पाकिस्तानी यहाँ बहुत कम है लेकिन इसके ड्रेसेस बहुत अच्छे, एम्ब्रॉयडरी काम बहुत अच्छा, नाइस है। ऐसी तकरीब की वजह से पाकिस्तानी फैशन अब दुबई में भी और मकबूल हो रहा है।